ये रागनी नरसी के भात की उस समय की कि जब भात न्योतने के लिए हरनंदी की सास उसे बहुत ज्यादा कहती है, तो ये कहने लगी हरनंदी कि मेरे पिता गरीब हैं, आज उनके पास वो सब देने के लिए नहीं है जो आप चाहते हो। सासू माँ, ये समय बड़ा बलवान होता है, समय कब किसका बिगड़ जाए कोई खबर नहीं, आज मेरा पिता फकीर है, क्या पता कल को आप हो जाओ। कैसे समझाने की कोशिश करती है, सुनिएगा इस रागनी में मनोज चौधरी की आवाज में। तू भी निर्धन हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, हो तू भी निर्धन हो सकती है, तू भी निर्धन हो सकती है, ये तो वक्त बतावेगा, ये तो वक्त बतावेगा। मेरे बाप के टोटा आ गया, मेरे बाप के टोटा आ गया ना, तेरे मांगने आवेगा। तू भी निर्धन हो सकती है, बाबुल की मेरी आँखों में आ गया पानी, बेमतलब दिल दुखा रही, तने पी राखी से बिन छानी। करे मत ना तू घर में बड़ी सियाणी, धन दे के कर दी सेठानी ना, तेरे हाथ फलावेगा। तू भी निर्धन हो सकती है, पेट नहीं तू सास मेरी, मैं बहू तेरी, तू न्यू कहने का ढेट नहीं। जहां बाहर वहां पतझड़ भी है, इसमें लाग लपेट नहीं, लपेट नहीं। जैसा मेरे पिता के साथ होया होगा मलिया मेट नहीं, कोई तेरे पीहर में जो उसके धन पहुंचावेगा। तू भी निर्धन हो सकती है,
बोल रही इन साफ नहीं तेरे घर में मेरे बाप के टोटा आ गया तू पड़ी री हुई अपनी अड़ में थारी सारी बात जानती ऐसी ना सू अनपढ़ में ना अनपढ़ में सारा कुणवा एक होया कोई एक नहीं मेरी लड़ में जो ये बात पहुंच गई पी हर तो जीते मर जावेगा तू भी निर्धन हो सकती रहती है और ससुराल लड़ता रहता है तेरा पूत भी पढ़ पढ़ के ये बातें पढ़ता रहता है गौरी शंकर सतगुरु का रंग दूना चढ़ता रहता है धन घटता बढ़ता है बिन पीरू कौन समझावेगा तू भी निर्धन हो सकती है तू भी निर्धन हो सकती है ये तो वक्त बतावेगा ये तो वक्त बतावेगा मेरे बाप के टोटा आ गया मेरे बाप के टोटा आ गया ना तेरे